गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्राफ्ट सीखेंगे, है ना। तो क्राफ्ट में सबसे पहले हम टॉपिक नेम लिखेंगे, हमारा थर्ड नंबर का टॉपिक नेम इज बोट, ओके, BOAT, बोट। तो स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हमने डायनासोर बनाया था, इस टाइम हम बोट बनाएंगे। यहाँ पे आज की डेट डालनी है, ओके। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना है, उसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर। आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आपकी बोट का फिनिशिंग बहुत मस्त आएगा, ओके। फिर अगेन फोल्ड, ओके। अब क्या है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, एक साइड 4 कॉर्नर आएंगे, एक साइड 2 कॉर्नर आएंगे, एक दो साइड एक ही कॉर्नर आएगा, समझ गए। तो अब किसी एक कॉर्नर को, जो 4 कॉर्नर है उसमें से एक कॉर्नर को ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है, और दूसरी साइड ये 1, 2 और ये 3 कॉर्नर है उसको ऑपोजिट साइड में फोल्ड करना है, ओके, समझ गए। अब इसको ये देखो, बीच में से ये दादा की जैसे टोपी होती ना, वैसे बन गया है ना। अब उसको बीच में से ऐसे खींचना है, खींचोगे तो अपने आप ये फोल्ड होगा। फोल्ड होने के बाद उसको अच्छी तरह से यहाँ से ऐसे पुश कर देना है। अब ये जो ऊपर का है उसको ऐसे खींचना है, देखो ऐसे खींचने के बाद अच्छी तरह से ऐसे इसको फोल्ड करना है, ओके। ये हमारी बोट रेडी है। अब हमें क्या करना है, ये बना के उसको साइड में रखना है और ऐसे पानी ड्रॉ करना है। तो मैं सीधा पहले स्केच पेन से, आपको सीधा नहीं फाये तो स्केच पेंसिल से पहले ड्रॉ करना, उसके बाद उसके ऊपर स्केच पेन से करना, ओके। ऐसे पानी ड्रॉ करने के बाद हमें क्रेयॉन से, लाइट ब्लू कलर का क्रेयॉन से इसमें ऐसे पानी का कलर फिल करना है पूरे में। ऐसे स्लिपिंग में रख के आप करोगे तो आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। आप सीधा करोगे तो देखो, मैं सीधा कर रही हूँ तो कैसे लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है। आप ऐसे स्लिपिंग में करोगे तो लाइनिंग नहीं दिखेगी या बहुत कम दिखेगी। ओके, उसके बाद हमें ऊपर सन ड्रॉ करना है। उसके अंदर हमें येलो कलर फिल करना है। स्केच पेन से पहले बॉर्डर करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा ऐसे व्यूज दिखाने हैं,
सन के आप ऑरेंज कलर का भी सन कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमें जैसे यहाँ पे लाइट कलर स्लीपिंग में किया था, वैसे ही यहाँ पे ऐसे लाइट स्लीपिंग में करना है। ओके इतना होने के बाद हमने जो बोट बनाई थी उसको एक ही ड्रॉप फेविकोल कर रख के उसको ऐसे पानी में चिपकाना है, ओके। उसके बाद हमने जो येलो कलर का पेपर लिया था उसको ऐसे तीन तीन में फोल्ड करना है ऐसे, ओके। और उसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, बोट जितनी साइज की है उसकी साइज का इतना ही सर्कल करना है। तीन मैं तीन क्यों एक साथ फोल्ड किया कि मैं तीन सर्कल एक साथ कट कर सकती हूँ, ओके। यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करके उसको कट करना है। और इसको इसके ऊपर ऐसे तीन चिपकाने हैं, वन यहाँ पे ऐसे टू और थ्री, ओके। ये हमारा क्राफ्ट रेडी है। आपको इतना ही क्राफ्ट करके मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करना है। और याद है ना, नेक्स्ट वीक मैं चेकिंग के लिए आपकी बुक लेने वाली हूँ, है ना, ओके स्टूडेंट्स।